बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे लुकअप पे मल्टी शीट लुकअप के बारे में जिससे रिलेटेड हमने आपको मैंने बना के भेजा था सर क्वेश्चन दिया था तो सब लोगों ने तो नहीं भेजा बट दो लोगों का निकिता जी का और एक नवीन जी का दो लोगों का एग्जाम्पल आया है तो चलिए एक बार हम देखते हैं। नहीं निकिता जी का नहीं आया किरण का आया था सॉरी निकिता जी का आया तो दो फाइलें आई हैं चलिए दोनों फाइल को पहले हम चेक करते हैं और बाकी लोगों ने नहीं भेजा इसके लिए मैं क्या सर मुर्गा भी नहीं बना सकता भेज दिए। अब यहाँ पे जैसे कि हम पहले वी लुकअप की बात कर रहे हैं ये निकिता जी की फाइल है इस पे बात करते हैं ने इफ एरर का यूज किया सही सही किया सर आपने और दूसरे फाइल की प्रॉब्लम करते हैं यहां भी इफ एरर का यूज हुआ सही। तो जो लोगों को नहीं समझ में आता मैं दोबारा समझा देता हूं कि मेरे पास डेटा है T1, T2, T3 इस तरह से अलग अलग शीट में डेटा है राइट और चौथे शीट में मुझे यहाँ पे सारे डेटा को लुकअप करना है। अब जरूरी नहीं कि 1 T1 में होगा और T2, 2, 3, T4 ऐसे कई शीट में भी हो सकता है तो हमें यहाँ पे ऐसा करना है कि वो पहले T1 में सर्च करे T1 में नहीं मिले तो T2 में सर्च करे T2 में नहीं मिले तो T3 में सर्च करे तो इस तरह से वो सर्च करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए किसी भी कंडीशन से आप एक वी लुकअप में दो से एक से ज्यादा शीट नहीं दे सकते एक वी लुकअप एक ही शीट को रिप्रेजेंट करता है तो मैं यहाँ पे अगर वी लुकअप लगाता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ और T2 में यहाँ पे आता हूँ और हमने बोला नेम ही मान लीजिए (2, 0) ए वी लुकअप आ गया। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 25 हो तो फिर एन आएगा फिर हमें यहाँ पे वी लुकअप एक और लगाएंगे जो कि दूसरे सीट मतलब कि T2 से सीट से कवर करेगा (2, 0) हो सकता है तीसरे में हो यहाँ पे तो वी लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया और तीसरे में चले गए तीसरे को हमने यहाँ पे यूज किया (2, 0) ये हमारा आ गया बट इन तीनों को मुझे यहां एक सेल के अंदर डालना है क्योंकि ऐसे तीन तो नहीं दे सकते ना तो हमारे पास एक इफ एरर का फॉर्मूला है। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि इसमें आप दो कंडीशन दे सकते हो दो फॉर्मूला दे सकते हो अगर पहला फॉर्मूला एरर आया तो दूसरा देगा अगर दूसरा आया तो फिर फाइनली एरर देगा तो दो वी लुकअप हम इसमें मर्ज कर देते हैं वी लुकअप हमने इसमें इसको मर्ज कर लेते हैं। यहां पे हमने दो वी लुकअप मर्ज कर लिए मतलब कि हमने इस एरर के अंदर में दो वी लुकअप लगा दिए अगर मान लीजिए 1 देते हैं तो रिजल्ट आएगा अगर मैं यहां पे मान लीजिए 14 किया तो ये रिजल्ट आ रहा है क्योंकि दूसरे शीट्स में तो इफ क्या कर रहा है कि अगर पहला वी लुकअप एरर दे रहा है तो दूसरे वी लुकअप को ओ ए कर रहा है मतलब कि ट्रिगर कर रहा है लेकिन अब इस एरर में तो दो ही होते हैं अब मुझे मान लीजिए 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो कैसे होगा रिकॉर्डिंग की परमिशन मैंने दे दी है तो यहाँ पे मैं एक और इफ एरर यूज करूंगा और बोलूंगा कि इफ एरर मतलब इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया
इसमें पहले वाले इफ एरर में पहला हम पोजीशन यहां पे देंगे, एक मिनट में कॉल करता हूँ, क्लास में जाता हूँ, क्लास में भी कॉल करूँ आपको। सॉरी, तो यहाँ पे हम इसको डी टू को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे तीन हमने दे दिए, समझ में आया आप लोगों की नहीं सर? तो हमने यहाँ पे तीन वीलुकअप दे दिए, पहला दो ई फेरर में तीन वीलुकअप दे दिए, पहले ई फेरर में हमने दो वीलुकअप डाल दिए और फिर दूसरे इफ एरर में हमने पहला इफ एरर वीलुकअप वाला इफ एरर और दूसरे में तीसरा वीलुकअप हमने डाल दिया, ऐसे ही चौथा में पांचवा में, तो आपको ऐसे इफ एरर यूज करते रहना पड़ेगा और आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मल्टी शीट या मल्टी फाइल वीलुकअप। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके सर, एक चीज पूछना था। हेलो जी, ये जो निकिता का जो फाइल था, एक्चुअली बहुत से एक्सेल में मैं देखता हूँ फार्मूला से पहले इक्वल के बाद एक प्लस सिंबल होता है, क्या आप इक्वल से में भी फार्मूला लगा सकते हैं? बहुत सारे लोग भी लुकअप से फार्मूला, एक प्लस से फार्मूला लगा देते हैं। ओके, तो इक्वल एंड प्लस दोनों दिया रहता है, इसका क्या मतलब? जब इक्वल से फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला अगर आपने यूज लगाया आपने यहाँ पे और एंटर मारने के बाद वो ऑटोमेटिकली इक्वल ऐड कर देता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके ओके सर। मल्टी सीट वी लुकअप समझ में आ गया? अब हम वी लुकअप की लास्ट टॉपिक के बारे में, और लास्ट टॉपिक हमारा है वो है रिपीटेड वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना, समझे? तो जैसे कि हमें बताया था, अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो फिल्टर फार्मूला से इसका यूज कर सकते हो, लेकिन ऑफिस 365 मुझे लगता है कि सबके पास होगा, राइट सर? नवीन जी, पिताजी उन्होंने तो मुझसे परचेज कर लिया है, मैंने उनको दे दिया, शेयर कर दिया है, क्योंकि हर कोई नहीं ले सकता है, आपके ऑफिस में नहीं हो सकता है क्या? मेरे पास तीन आईडी और बच गया है, मान लीजिए कि मुझे इसका डेटा चाहिए। वी लुकअप लगाऊंगा तो नॉर्मली जो है एक सेल का ही डेटा मुझे देगा, पहला जो सबसे पहले मिल रहा है, लेकिन उसमें मुझे पूरा चाहिए, राइट? यहां दो तरीके हैं, देखिए। जैसे मुझे यहां पे पूजा का पूरा डेटा चाहिए, तो जनरली अगर मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और डेटा को सिलेक्ट करता हूं, तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉमा 2,0, तो पूजा का 81 दिखेगा, इसके नीचे का डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि लीनियर है, सबसे पहला मिलेगा वही शो करेगा, बाकी नीचे शो नहीं करेगा। तो इसके दो तरीके हैं, मान लीजिए मुझे सारे के सारे कॉमा कॉमा करके चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन है, जो कि ऑफिस 365 और 2019 का फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन, उसका यूज कर सकते हैं। कॉमा इग्नोर क्या करना है, ब्लैंक को, और टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन में हमने यहाँ पे इसमें वी लुकअप नहीं लगाएंगे, इफ देंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू पूजा है तो इसमें दिखा दे, रिजल्ट फॉल्स फॉल्स आ गया ना, तो मुझे यहां पे कॉमा ब्लैंक करना होगा। आ गया सर? तो ये
एरर फॉर्मूला है टेक्स्ट लाइन में, हमने यहाँ ये फॉर्मूला कैसे परफॉर्म कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला एवलेट में जाना होगा। सबसे पहले जानिए टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला करता है क्या है। ये करता है कि अगर एक सीक्वेंस सीरीज है इसको आपस में कॉन्कैटेनेट कर देता है, समझे। टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन हमने बोला कि सेपरेटर क्या चाहिए, तो कॉमा चाहिए, मतलब कि दो टेक्स्ट के बीच में सेपरेटर कॉमा चाहिए। क्या इग्नोर करना चाहते हैं इंपर्टिशियल ब्लैंक सेल को, हमने बोला हाँ बाय डिफॉल्ट ट्रू भी होता है। उसके बाद हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो सारे नेम को इस तरह से कॉमा 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 करके ऐड कर देगा, और ये एरे को भी सपोर्ट करता है। तो एवलेट फॉर्मूला में आप देखेंगे कि इफ कंडीशन ने मैच किया कि भाई कहाँ कहाँ पूजा है, जहाँ जहाँ पूजा हुआ वहाँ वहाँ ट्रू हो गया, और जहाँ जहाँ ट्रू हुआ वहाँ वहाँ पे नंबर्स, बाकी जगहों पे ब्लैंक हो गया। तो टेक्स्ट ज्वाइन को बहुत सारा रिजल्ट मिला जिसमें से नंबर्स 3 मिले, बाकी बहुत सारे ब्लैंक्स मिले। और हमने बोला कि हमने यहाँ पे ट्रू नहीं लिखा हुआ है, फॉल्स नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही ले लेता है। इसने ब्लैंक को इग्नोर कर दिया और इसको ज्वाइन करके दे दिया। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते, समझ गए। किसी को डाउट इसमें टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले में? सर ये सेम चीज अगर ओल्ड वर्जन में करेंगे तो कैसे करेंगे? सब सेम चीज ओल्ड वर्जन में करने के लिए आपको वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका नहीं है। कॉन्केट नहीं, कॉन्केट बिटवीन आपको दो शेयर में रहना पड़ता है, वो रेंज नहीं लेता, वन बाय वन उसमें लिखना पड़ेगा। सपोज मेरे पास 50 आईडी है, उसको एक सेल में कॉमा कॉमा करके लेना है, तो ओल्ड वर्जन के लिए 2010 का कुछ आपके पास नहीं, वीवी यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला कोई नहीं है सर। ठीक है, ओके सर। लेकिन अभी जो थोड़ा देर पहले आपको, कुछ दिन पहले हमने आपको फिल्टर का फॉर्मूला समझाया था, याद होगा? यस यस। फॉर्मूला क्या करता है कि पूरी डिप एरिया में से पूरा एक डेटा को ले लिया हमने, और मुझे इस डेटा में ये करना है कि इसमें इक्वल टू पूजा, पूजा के रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे। यस। अब यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए इस पूजा को लिंक कर देता हूँ ऊपर इससे, तो यहाँ पे जो भी हम नाम डालेंगे और हेडिंग भी मैं कॉपी, क्योंकि हेडिंग नहीं आता है कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, हेडिंग डाल दूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पूजा का जगह पे नीतू कर दूँ, तो यहाँ सॉरी नीतू कर लेना है, तो नीतू का रेट आ जाता है। लेकिन ये भी तो फिल्टर फॉर्मूला हमारे इसमें है 365। उसके बाद यहाँ इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम सीरियल नंबर दे देते, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ का। काउंट इफ में हम देते हैं कि आखिर इसमें पूजा कितना बार है। हमने क्या किया, हमने बोला कि पूजा आखिर कितना बार है, तो यहाँ पे मैनुअली 1 लिख दिया। यहाँ पे कंडीशन दिया कि इफ अगर ऊपर वाले में +1 करूँ, अगर वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पे ब्लैंक करे, अदरवाइज ऊपर वाले में +1 कर दे। मतलब एक कर रहा हूँ कि जितना पूजा है उतना ही सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेट हो, समझे। और एक एग्जाम्पल मैंने आपको इफ की क्लासेस में समझाया था, ब्लैंक कर दिया और नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते, हो सकता है जितना डेटा उसके नीचे ड्रैग कर दिया। उसके बाद हम यहाँ एक आईडी क्रिएट करना है, यूनिक आईडी। तो यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, बट काउंट इफ के फॉर्मूले में हम पूरा का पूरा रेंज नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, B2 से B2 कॉमा B2 करेंगे, मतलब कि हम इसका सीरियल नंबर
जनरेट कर रहे हैं। तो पहले वाले V2 को फ्रीज करके नीचे की तरफ हम ड्रैग कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, अगर फिल्टर लगा के देखें तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे हमने यहाँ पे अमर सेलेक्ट कर लिया तो ये अमर 1 2 3 इस तरह से सीक्वेंस जनरेट कर दिया। तो हर नाम को एक सीरियल, जितना वो रिपीट है उतना सीरियल नंबर उसने दे दिया। समझ में आ गया आपको चीज? किसी को डाउट इस काउंट इफ के फॉर्मूले में? नहीं है, चलिए आगे बढ़ाता हूं। फिर इसके में हम कॉनकेटेनेट, सॉरी इसमें हम कॉनकेटेनेट करते हैं और एक डैश का सेपरेटर दे देते, सेपरेटर जरूरी नहीं फिर भी दे देते ताकि समझ में आएगा रहे। तो इसके नाम के साथ इसका हम सीरियल नंबर ऐड कर दिए तो एक यूनिक बन गया कि 1 पूजा 2 पूजा 3 पूजा, समझे? ऐसी 1 इस तरह से जितने भी नाम रिपीटेड होंगे उतना इस तरह से आ जाएगा। फिर यहां भी हम वी लुकअप लगाते समय इसका ध्यान, वी लुकअप टेबल हमने यहां पर सिलेक्ट कर लिया, कॉमा हमने यहां पे कॉलम इंडेक्स के लिए मैच ले लिया, यहां पे कॉमा 0 और फिर कॉमा 0 कर नंबर के साथ हमने डैश केस लगा के हमें ये पूजा को सेलेक्ट करना है। अब इसमें हमें M10 को फ्रीज करना है, इसको फ्रीज करना है, N20 का N12 का 12 फ्रीज करना है और यहाँ पे 1 फ्रीज 21 फ्रीज करना है और यहाँ M13 का M फ्रीज करना है। इसको आगे की तरफ और नीचे जितना एक एरिया है उतना हम यहाँ पे इसको ड्रैग, लेकिन इसमें एरर के चांसेस हैं तो मैं यहाँ पे इस एरर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखिए बार सब रहेगा सही पे। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम डालूंगा आ जाएगा, तो जैसे किसी का नाम रिपीट हुआ, मान लीजिए मैं यहाँ पे पूजा दे देता हूँ वापस, तो अगर मैं यहाँ पे पूजा करता हूँ, रिपीट हो गया पूजा, समझ गए सर? जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा, जिसका किसी का कम है, जैसे कि मान लीजिए देव का करता हूँ, देव का 3 है 3 है। तो एग्जाम्पल किसको जिसको समझ में नहीं आया, हेलो सर समझ में आ गया, और भी कोई है जिनको समझ में नहीं आया है? ओके, तो ये फाइल में वापस आप लोगों को भेज रहा हूं। अब मुझे इसमें क्या करना है, नीचे यहाँ पे टोटल का एक कॉलम ऐड करना है और टोटल भी वी लुकअप के साथ शिफ्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए देव को हमने सर्च किया तो टोटल यहाँ पे हमारा शो होना चाहिए, राइट? लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पूजा करूँगा तो मेरा टोटल यहाँ पे आना चाहिए और फिर इसके आगे सम का फॉर्मूला भी लगना चाहिए। समझ गए क्या करना है इसमें? सर इसमें पिवट हम यूज नहीं कर सकते क्या? पिवट टेबल यूज नहीं कर सकते इसमें? पिवट टेबल किसके लिए होता है? समराइज के लिए होता है ना। बट सर अगर हम इसको वैल्यूज में ना रख करके कॉलम में रखें जैन फैब को तो फिर नहीं आ जाएगा सारा अलग से? नहीं तो फिर यहाँ पे रिपीटेड, एक मिनट, आपको यहाँ पे जैसे पूजा एक बार ही दिखेगा ना वहाँ पे? नहीं, अगर सारी वैल्यूज को अगर मैं सम पहले इसमें ना रखूं। देखिए पिवट टेबल, याद रखिएगा पिवट टेबल का यूज होता है डेटा को समराइज करने के लिए, ठीक है ना? बट यहाँ डेटा समरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं नेम को, चलो मैं फिल्टर में रख देता हूँ और जैन फैब को मैं कॉलम में रख देता हूँ। नहीं नहीं जैन फैब को रोज रो में रखो और नेम को भी रोज में। हाँ तो इस तरह से आएगा। हाँ
सही थोड़ी है आपका, और नेम्स नेम को भी रोज में, नेम को रोज में रख देंगे तो फिर भी आपको एक ही बार आएगा ना, पूजा आया दिख रहा है आपको सर, तो पूरा डेटा ही आ गया ना आपका। हाँ नहीं तो भाई अगर कुछ ऐसा हो कि फिर स्लाइसर लगा दो हम पूजा उस पे, नेम नहीं पर, नेम मैम, का स्लाइसर। पिवट टेबल यूजफुल नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पूरा का पूरा डेटा चाहिए। और अच्छा ये चीज है कि मुझे अपने हिसाब के फॉर्मेट में चाहिए, कैलकुलेशन टोटलिंग बहुत सी करनी है, यहाँ पे दिक्कत है। टेबल फॉर्मेट में जाके अच्छा ऑटो सम कर लो, हो जाएगा क्या टेबल फॉर्मेट में करके ऑटो सम? टेबल फॉर्मेट में ऑटो सम? नहीं, वो अलग चीज है सर। टेबल को जो आप पिवट टेबल बात कर रहे हैं, तो पिवट टेबल की जगह पे आप स्लाइसर लगा दीजिए ना। नहीं इसको सर, टेबल टेबल में देखिए, इसको अगर ऐसा आप जो मैम बोल रहे हैं ना, तो इसको मैं पिवट टेबल इसको स्लाइड टेबल में कन्वर्ट करके और उसको स्लाइसर लगा दिया यहाँ पे नेम पे। ये भी टेबल में स्लाइसर कैसे लगा सर ये? ना लग गया देखिए। अच्छा इसको टेबल में कन्वर्ट करके फिर स्लाइसर लगाया। हाँ सकते हैं, सर ये तो फिर इजी है ना, मतलब पैसे इजी कर। है तो, पर प्रॉब्लम ये है कि फिर इसमें कैलकुलेशन वगैरह हो और बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे ना, तो पूरा डेटा ही ला दिए ना। स्टेशन हमने तो पूरा डेटा दिया ना, पूरा डेटा ही ला दिया, फिर समरी का मतलब तो हो गया ना सर। सही मुझे इसमें मान लो कोई फील्ड नहीं चाहिए, कहीं भी कुछ फील्ड चाहिए, कहीं भी कुछ नहीं फील्ड चाहिए, तो कितने डेटा आप क्रिएट करेंगे? और चलो ये चलो आपका ठीक है, छोटा डेटा है, लाखों में डेटा होगा, और फिर वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे बहुत हैंग करेगा। दूसरी चीज़ें हैं कि मुझे इसमें रिपीटेशन में भी बहुत सारे कैलकुलेशन चाहिए, तो हर काम एंड सर स्लाइसर में एक और डिफिकल्टी आएगा कि मेरे पास अगर 100 एसोसिएट हैं, ठीक है, तो सबका नाम पूरा लिस्टिंग आएगा, दैट ये लुक थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, पूरा भर जाएगा सर। दूसरी चीज़ है स्लाइसर भी अब 2007 ऑनवर्ड, 2010 ऑनवर्ड है ना, 2007 में तो स्लाइसर भी नहीं है, ओके ओके समझ गए ये ना? सही है। स्लाइसर में मतलब बहुत सारे डेटा जाएंगे, जैसे उन्होंने बोला 100 हंड्रेड्स ऑफ नंबर, तो उसमें दिक्कत होगी हाँ, देखेंगे। ये तरीका हमने बताया। अब देखिए मैंने आपको सारे तरीके समझा दिए, अब आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या करना ओके सर, है। हम भी एक अपनी मेरा वाला जॉब फाइल भी एक चेक कर लीजिएगा। कौन सा? अमित जी, नवीन सिन्हा। नवीन जी आपको फाइल चेक तो कर लिया है, इधर से नया आपने दो दो डेढ़ फाइल डाउनलोड किया है ना, मैंने आपका किया है ना, मेरा ना आपका मतलब चलिए ऊपर भी यहाँ भी इनबॉक्स में है ना आपका नीतिका गुप्ता, और ये आपका नीचे नीचे हाँ नवीन किया मैंने मल्टीपल का। आपने भी ई फेरर लगाया था ना, जी मैं बोला ही तो था कि ई फेरर ठीक है। सर ये फाइल भेज दीजिए। हाँ ये फाइल आप लोगों को वापस भेज देता हूँ। और सर एक रिक्वेस्ट है सर, कम से कम होमवर्क की रिप्लाई तो किया करो सर। अब देखिए इतने लोगों के बीच में, 7 लोगों के बीच में मात्र जो है 2 लोगों ने भेजा है, कैसा लग रहा है मुझे? आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा पूछ लीजिए, 3 बार पूछ लीजिए, मैं हर 10 बार रिपीट करने को तैयार हूँ। तो प्लीज कुछ प्रैक्टिस कीजिए और भेजिए, ताकि मुझे तो पता चले कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके सर, मेरा ईमेल डालिए ना। डाला हुआ है सब ईमेल यहाँ पे देख लीजिए, है ना, नवीन जी, नवीन जी आ गया, यूसुफ का हो गया, गुप्ता हो गया, आर एस यादव हो गए, वेंकट हो गए, ये तो क्लास से बाहर ही चले गए, गुलशन जी बाद में ज्वाइन करेंगे, राजेश हो गया, मैंने फिरोज फिरोज है फिरोज फिरोज ना, फिरोज अंडरस्कोर @gmail.com। हाँ यार यस चलो, और कोई है
सर एक क्वेश्चन था हाँ पूछिए। एक्चुअली, मेरे जो टेक्स्ट फॉर्मूला का एक वीडियो था ना 1 घंटे का, मैं अभी भी उसको रिपीट कर रहा हूँ पूरा। दैट्स वेरी यूजफुल। तो उसमें क्या हुआ कि जो हम लोग लॉगिन आवर, सॉरी, जिसका ऑफिस में कितना देर बंदा है, आपका वाला फाइल पे मैं किया, ठीक हो गया, लेकिन मैं नए फाइल पे कर रहा हूँ तो वो सेम फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। कि फॉर्मेट भी मैं चेक किया सेम था, ऐसा कुछ है जो डिफरेंट क्या हो रहा? मतलब कि लॉग इन आवर्स निकालना चाहते हैं आप? हाँ, डेट डेट डिफरेंट है और ऑफिस मतलब घुसा दो 3 बजे डेट काम एंड को, टाइम, डेट और टाइम एक जगह लिखे हो आपने क्या? अलग अलग है आपका? सब कुछ सेम है। मैं कॉपी करके आपका सेम फॉर्मेट कॉपी करके अपने नए एक्सेल बुक में अब लिया, मुझे ठीक मुझे भेजिए तो मैं देखता हूँ वहाँ दिक्कत है। है। मतलब आपका वाला सीट मैं डाउनलोड करता हूँ, वो ठीक काम करता है, लेकिन मेरे नए वाले जो एक्सेल मैं सीट नहीं क्रिएट करता हूँ तो उसमें वो फॉर्मूला काम नहीं करता है। मैं ठीक है, बहुत एक ठीक बार मुझे भेजिए मैं देख के बताता हूँ। है सर, ओके। ओके बाय।